सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के मर्जर का प्रस्ताव दिया। बैंकों का मर्जर कोई अचानक लिया हुआ फैसला नहीं था, सरकार कई दिनों से इस पर विचार कर रही थी। ये कहना है वित्त मंत्रालय के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल का। उनसे खास बातचीत की मेरे सहयोगी प्रकाश प्रदर्शी ने, सुनिए। हमारे साथ संजीव सन्याल हैं, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा पहला क्वेश्चन बैंक मर्जर को लेकर होगा। फाइनली सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो कंसोलिडेशन की प्रक्रिया थी उसमें एक औपचारिक शुरुआत की है, तीन बैंकों के साथ शुरुआत की है। आज हमने मॉर्निंग से देखा कि खासकर स्टॉक मार्केट में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जहां हम गिरावट देख रहे थे, बाकी दोनों बैंकों में कुछ तेजी थी। तो इससे एक मतलब ये भी निकल रहा है कि क्या मजबूत बैंक में कमज़ोर बैंक के मर्जर की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और क्या आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा मिलेगा जिस तरीके सरकार एक मजबूत बैंक क्रिएट करने की बात कर रही है। देखिए, कंसोलिडेशन की बात काफ़ी दिन से चल रही है। आपने पिछले साल भी देखा होगा कि स्टेट बैंक ने अपने जो सब्सिडरीज थे उनके साथ मर्जर किया गया था, तो ये नई बात नहीं है। हम लोग काफ़ी दिन से इस पर बातचीत चल रही है। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि ये तीन जो बैंक हैं उनको व्यावसायिक आधार पर अगर हम लोग इनको मर्ज कर दें तो इनको लाभ हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे छोटे छोटे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे और वो कमर्शियली वायबल नहीं थे। तो ये कमर्शियल बेसिस पे इनको मर्ज किया जा रहा है। ये कुछ लोग कहेंगे कि ये पीसीए से डेना बैंक को निकालने के लिए किया जा रहा है, या कुछ कहेंगे ये एनपीए के मुद्दे को इस तरीके से सुलझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, नहीं ये पीसीए से निकालने की के लिए ये कोई प्रक्रिया है, और न ही इससे कोई एनपीए की मुद्दे को, मतलब शॉर्ट रन में इससे सुलझेगा नहीं। ये दूसरी बात है कि हम लोग चाहते हैं कि जो कमर्शियली वायबल एंटिटी हो, बड़े हों, जो एक मतलब साइज के नहीं होंगे तो वो कमर्शियली वायबल कभी भी नहीं होंगे। तो यही हम लोग चाहते हैं और हम सोच समझ के करेंगे। ऐसा नहीं है कि कल और तीन बैंक, ऐसा हर रोज़ तीन बैंक चार बैंक इनको, ऐसा नहीं करेंगे। ये धीरे धीरे किया जाएगा, और जहाँ भी इनको सहायता की ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे। कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और मैनेजमेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, जो भी ज़रूरत पड़े हम लोग उनको देंगे। सरकार ने जो रिकैपिटलाइजेशन प्लान अप्रूव की थी इन बैंक्स के लिए, तो क्या मर्जर की जो प्रक्रिया अब शुरू होगी तो क्या इन बैंकों के इंडिविजुअल लेवल पर जो सरकार ने अप्रूव किए थे जो अमाउंट, वो मिलता रहेगा? हाँ, ये मिलता रहेगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो भी उसको दिया जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास पहले अभी 20 से ज़्यादा बैंक हैं, तो घटते घटते कहीं एक, अब कितने नंबर पर पहुँचेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा तो ये होगा कि जो हमारे पास जो बाकी रह जाएंगे वो कमर्शियली वायबल हों।